यूं तो प्रेगनेंसी के दौरान महिला की चिकित्सीय जांच में बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, इसके अलावा बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं। इनमें से जो एक मेन टीका होता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी गर्भवती महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के दौरान होता है, वो होता है टीटी का टीका, जिसे कि टिटिस टॉक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। ये टीका प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को 2 बार लगाया जाता है। आज इस टीके के बारे में ही मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि ये टिटनेस का टीका गर्भवती महिलाओं को कब लगाया जाता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है और कितने समय कितने अंतराल के बाद लगाया जाता है, और भी बहुत सारी जो कंडीशंस होती है सारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जानने के लिए हमारे वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा, स्वागत है प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन की इस नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, टिटनेस का टीका गर्भवती महिलाओं के लिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि महिला की जब डिलीवरी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तो नवजात शिशु जो होता है दोस्तों, इस दौरान उसे कहीं ना कहीं टिटनेस के संक्रमण होने का खतरा बहुत ज्यादा बन जाता है। इवन भारत में सबसे ज्यादा जो मृत्यु दर बच्चों की होती है, नवजात शिशु की होती है, वो टिटनेस के संक्रमण की वजह से ही होती है। तो ये इसका एक मुख्य कारण होता है। तो जन्म के समय ही बच्चे को ये जानलेवा बीमारी, ये घातक बीमारी ना हो, इससे बचने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान टिटनेस का टीका गर्भवती महिला को लगाया जाता है, क्योंकि ऐसे में नवजात शिशु को गंभीर बीमारियां जैसे कि बच्चे को जकड़न होना, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाना, या फिर कभी कभी क्या होता है कि शिशु की पसलियों में इतनी जकड़न हो जाती है कि शिशु सांस नहीं ले पाता है और इससे उसकी डेथ हो सकती है। तो ये एक गंभीर जानलेवा बीमारी होती है। तो इससे बचने के लिए ही गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दौरान टिटनेस का टीका लगाया जाता है। तो टिटनेस के इस टीके को लगाने से गर्भवती महिला में, या फिर गर्भस्थ शिशु में, या फिर आगे चल के जब बच्चा पैदा हो जाए नवजात शिशु में, किसी भी तरीके के संक्रमण का खतरा नहीं होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान इस टिटनेस के टीके के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो इस टीके को लगाने से 80% या फिर इससे भी अधिक नवजात शिशु जो होते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान होती है। अब बात करते हैं कितने टीके लगते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको टिटनेस के 2 टीके लगते हैं, जिसे कि TT1 और TT2 के नाम से जाना जाता है। ये 2 टीके गर्भवती महिलाओं को लगाने आवश्यक होते हैं। पहला टीका टिटनेस का आप प्रेगनेंसी के 13 से लेके 39 हफ्ते के बीच में कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आपको टीटी का दूसरा टीका लगना हो तो दूसरे और पहले टीके के बीच में एटलीस्ट 4 हफ्तों का गैप होना चाहिए। और गर्भवती महिला को अगर पिछले 3 सालों में कभी भी टीटी के 2 टीके लग चुके हों तो उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान केवल बूस्टर टीटी का ही टीका लगवाया जाता है। तो जैसा कि आपको अब पूरी जानकारी मिल चुकी होगी कि क्यों ये टीटी का टीका लगाया जाता है, क्या इससे होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके टीटी के टीके जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, और हो सके तो प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में ही आप ये टीटी के टीके अपने कंप्लीट करवा लीजिए। और वैसे भी ज्यादातर डॉक्टर आपके प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आपके टीटी के इंजेक्शन आपको दे देते हैं। तो होप्स दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान लगने वाले इन महत्वपूर्ण टीकों के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।